हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि पैनासोनिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा 7.2 kg का और ये इसका मॉडल नेम है, देख सकते हो आप। और इसमें हम पाइप को ऐसे कनेक्ट करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे जाता है, इसको आपको नीचे की तरफ खींचना पड़ता है। तो ऐसा करके आपको फिर ऐसा करके इसको लगा देना होता है और इसको ऑन करना है, फुल और खोल देना है। बस इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, देख सकते हो आप। और अभी हम इसमें इसको ऑन करके देखेंगे। तो स्विच को हमने यहाँ पर लगा रखा है, इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे कोई लाइट का शो नहीं होता, कुछ लाइट वगैरह। अभी हम इसमें पर्दे वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे जो ये कंट्रोल्स है, ये मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े डालना है। तो मैंने अभी इसमें 3-4 पर्दे दे दिया है और अभी हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, ये ऑन हो गया। तो इसमें आपको प्रोग्राम का एक बटन मिल जाता है, तो इसको प्रेस करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉर्मल, क्विक, डेलिकेट, सॉक, फिर बेबी केयर, बेडशीट, ये सब मिल जाता है। और तो इसमें हम लोग हमेशा नॉर्मल में करते हैं। तो अगर आपका बेडशीट वगैरह है तो आप इसमें वो कर सकते हो 6 नंबर पर। तो अभी ये 2 पे है और जैसे मैं इसको करूँगा तो ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से 1 में गया। तो इसमें 1 में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन इसमें वाटर लेवल आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम लोग इसको ऑटोमेटिकली करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। और इसका जो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, ये अगर अभी मैंने इसमें 1 में कर दिया और इसमें जो आप देख पा रहे हो वॉश, रिंस और ये स्पिन, तीनों में भी क्लिक है, ठीक है। मतलब लाइक वो है, कमांड दे रखा है इसमें। तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये क्या होगा कि वॉश होगा, फिर रिंस हो जाएगा, फिर स्पिन होगा, तो सारे पानी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम सिर्फ वॉश करेंगे, क्योंकि ये आपका वॉश 14 या 15 मिनट ही करता है, तो हमें इसको दो बार करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको प्रोसेस में जाएंगे और इसमें आपने देख लिया कि वॉश में सिलेक्ट है अभी, ठीक है। और अभी हम इसको कर देंगे स्टार्ट। तो अगर जो स्टार्ट करता हूँ अभी, तो अभी सेंस कर रही है कि कितना पानी चाहिए। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो 32 लीटर चाहिए पानी, अब 12 मिनट लगेगा। तो इसको खोने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसमें ये चालू हो गया शुरू। तो इसमें और भी हम कपड़े दे सकते हैं, अभी और पानी लेगा ये। और इसमें दिखा रहे 10 मिनट्स का, इसमें हम और भी दे सकते हैं पर्दे दे देते। सर्फ अभी नहीं डालेंगे, सर्फ हम लोग बाद में डालेंगे। अभी अगर देंगे तो फिर डायरेक्ट पर्दे बिगड़ेगा। तो इसमें आप मैनुअल भी कर सकते हो। तो मुझे इतना लग रहा है कि इसमें पानी और चाहिए, तो आप वाटर लेवल में क्लिक करोगे तो आपको ये देखो, आपको ये 32 में था, बाकी 37 और ये 42 53 तक है, तो फिर से 20 में आ गया। तो हम इसको कर देते हैं 42 तक कर देते हैं। तो मैंने इसमें सारे पर्दे दे दिए और ये पर्दे काफ़ी हल्के हैं, बट इसमें मुझे पानी ज़्यादा चाहिए। तो अभी जो सिलेक्ट था हमारा ये था आपका 42, इसको हमको कर देंगे 53 और इसको कर देंगे स्टार्ट। यहाँ से मैंने पॉज किया था, ये स्टार्ट एंड पॉज दोनों है। तो ये फिर से थोड़ा सा पानी लेगा और फिर ये स्टार्ट होगा। और अभी ये वॉश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें ये 2 बार करना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर वॉश, रिंस, फिर रिंस, स्पिन, फिर वॉश, फिर स्पिन, ऐसे वॉश और रिंस ऐसे करके आता है। तो मैं आपको दिखाऊँगा बाद में, बट आपको ये 2 बार, हमें इसको 2 बार करना है वॉश। तो हम क्या करेंगे, ये होने के बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा, अपना पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम तीनों को देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वॉश भी हो जाएगा, रेंस भी हो जाएगा, स्पिन भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 2 होता है, लाइक 2 मतलब कि अभी जो घूम रहा है ये थोड़ा कम स्पीड में है, उसके बाद अभी स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे, आप देखते रहना। और अभी थोड़ा होने देते हैं, आई थिंक कपड़े साथ ज़्यादा नहीं हो गए। मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि फिर से मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से पानी सारे वेस्ट हो जाएगा, फिर पानी सर्फ वगैरह। तो ये पानी फिर से ले रहा है, देख सकते हो, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। तो मैं इसमें से कुछ पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि ये घूमने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। और तो आपको देखना है कि मतलब ज़्यादा लोड ना पड़े इसमें, जैसे अभी देख लिया आपने इसमें लोड पड़ रहा था, सीधे घूम ही रहा था, अभी ठीक हो जाएगा शायद, एक बार करके देखते हैं। हाँ अभी सही है, आप देख सकते हो अभी।
तो अभी हम इसमें देंगे सर्फ। तो सर्फ हमारा कितना चम्मच, चार चम्मच, चार या पाँच दे देते, क्योंकि पहले अगर दे दोगे तो फिर कपड़े में गिर जाएगा फिर। तो तो दे सकते हो कितना है? और चाहिए, छः चम्मच हो गया। तो आप देख सकते हो कैसे साफ हो रहा है, इतना बढ़िया तरीके से। तो ये नॉर्मल में ही है, तो जब आप भी करें तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपका ऐसा है कि कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है तो आप वॉश रिंस फिर स्पिन में करके आप छोड़ सकते हो। अगर लग रहा है कि कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप इसको दो बार वॉश भी करके देन, मतलब एक बार हो गया उसके बाद और एक बार में तीनों कर दो एक बार में, ठीक है? वो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 मिनट्स लिखा है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो हम फिर से देंगे, ये हमारा एक बार हो गया है और मैंने इसमें एक कपड़ा भी डाला था। तो अभी हमें क्या करना है कि वॉश रिंस और स्पिन ये तीनों करना है। तो अभी सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको ऑन करना है, ऑन हो गया, ठीक है? फिर स्टार्ट कर देना है, बस ऑन और स्टार्ट, बाकी ये खुद अपना भी करेगा। स्टार्ट कर दिया हमने, और दिखा रहा है 53 लीटर। तो अभी ये आप देख पा रहे हो ये अभी वॉश पे है, वॉश पे ब्लिंक कर रही है, और ये लगेगा आपको 41 मिनट, क्योंकि अभी ये वॉश भी होगा, रिंस भी होगा, स्पिन भी होगा। तो जब भी आप करें तो वॉश दो बार कर लें, क्योंकि वॉश में हमारा सिर्फ 11 मिनट दिखाता है, बट अगर हम इसको दो बार करेंगे तो सही से वॉश हो जाएगा। फिर आप तीनों को एक बार में करके कर सकते हो, मतलब कि वॉश करो फिर तीनों को और एक बार कर दो बस। चलो अभी इसको होने देते हैं, फिर देखते हैं कपड़ा कैसे सूखा है। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ घूम रहा है, पहले आपने देखा था कितना स्लो घूम रहा था, अभी देख सकते हो आप, ठीक है? तो ये पहले थोड़ा सा सेंस करता, वो करता है सेंस करता है, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। और अभी हमें इसको बंद करके रखना है, इसको खोल के नहीं रखना, क्योंकि वॉश में तो कुछ नहीं होता कि अपना क्या होता है, वॉश होके फिर ख़त्म हो जाता है, पर रिंस और स्पिन में ये ढके होता है, ढकना होता है, तो इसको हम ढक के रखेंगे अभी। तो आप लोग अभी देख सकते हो कि ये हो गया है, इसमें 1 मिनट शो हो रहा है, तो हम इसको निकालेंगे। जब ये 1 मिनट हो जाएगा तब इसमें एक साउंड भी आएगा, आप सुनना वो। ये साउंड, तो अभी ये ऑफ हो गया, इसके बाद आप इसको आराम से निकाल लो ऐसे करके, देखते हैं कैसे सूखा है। हाँ बढ़िया है, अब देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सही से। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गया ये, साफ सुथरा। और तो देखते इसमें हमने कितना डाला था, एक है, दो, तीन, और ये चार। उसके बाद जगह था इसलिए हमने और भी डाल दिया था, और एक डाल दिया था ये वाला। तो इतने सारे कपड़े सही से हो गया, चलो बढ़िया है। सो ये क्लीन हो गया, उसके बाद आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ से प्रेस करके ऐसे निकल जाता है, और फिर इसमें भी आप गंदगी वगैरह देख सकते हो, तो इसको साफ़ कर सकते हो। साफ करके फिर हम लोग इसको ऐसे करके लगा देते हैं। तो लगाने का तरीका काफ़ी ईजी है, कुछ तो ऐसा है, ऐसे लगा के लगाया, फिर इसको लॉक हो गया, और इसको ऐसे डालेंगे, डाल के फिर ऐसे लॉक हो जाएगा। और बाकी जो फीचर्स है, ये डिले वगैरह का इसका इतना ज़रूरत नहीं है, चाइल्ड लॉक का अगर आपका घर पर बच्चा है तो चाइल्ड लॉक आप कर सकते हो, 5 सेकेंड प्रेस करना पड़ेगा आपको। और बाकी ऑटो रिस्टार्ट है, ठीक है? और ज़्यादा इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह है नहीं, तो इजी टू यूज़ है। अगर आपको इसको लेना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।